जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभ्रत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पूर्व जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अवक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है? वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु सदा इसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दें। इतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है, जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है। उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ धाम, खीर सागर, शेष नाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भक्तों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझसे मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं,
उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बैन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बैन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं प्रतु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझसे अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न ना उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महत्तम कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धर्म से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोगकर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा बैन प्रथम स्वयंभव मनवंतर में हुआ था और ये राजा इच्छवाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवत्सव मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है यह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा, इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। इति श्री वैशाख मास महत्तम 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।